इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई भगवान ओ वीडियो चालू है वीडियो चालू है निकल निकल पांच हजार ज्यादा चढ़ी होगी पांच हजार <laughs> ज्यादा पतली होगी पांच हजार सब्सक्राइबर ओ माय गॉड थैंक यू सो मच पांच हजार फाइव थाउजेंड थैंक यू सो मच आई एम सो

मी इंट्रोड्यूस जो लोग नए हैं ही हो चुका है इस मेरा नाम है शुभम स्वागत हो सकता इस वीडियो के अंदर और इतने सारे एक्साइटमेंट्स आपको पता चल गया होगा कि काफी ज्यादा खुशी की बात है क्योंकि हज़ार सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं मेरे चैनल के अंदर लेकिन तो आपको, ये सारी, ये सारी आपको मालूम होनी चाहिए इस वीडियो के अंदर मैं, मैं सारे बहुत सारे पार्ट्स में डालने डेफिनेटली अगर आपको ये वाला पार्ट पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और देना अंदर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको और भी कुछ हिडन फीचर्स चाहिए तो शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ पांच कमाल के हिडन फीचर्स जो आप सभी को पता होने ही चाहिए अगर ये पता नहीं है तो आप एंड्रॉड अच्छी तरह से नहीं चला रहे तो सबसे पहला फीचर जो है जो सभी को हंड्रेड परसेंट मालूम होना ही चाहिए अगर आप एक एंड्रोयड यूजर हैं डेफिनेटली हमको लाइफ में एक ना एक बार अपना जो डाटा होता है फोन का डाटा या कंप्यूटर का डाटा अपने फोन में ट्रांसफर करना होता है जब भी हमने डाटा ट्रांसफर करते हैं हम जब यूएसबी केबल को कनेक्ट करते हैं अपने फोन से तो हमको एक नोटिफिकेशन आता है जो जिसमें हमको चूज करना पड़ता है कि हमको फाइल ट्रांसफर करना है यूएसबी थ्रियटिंग करनी है या कुछ अलग ऑप्शन करना है मोस्ट ऑफ द टाइम जब यूएसबी कनेक्ट करते हैं तो हमको फाइल ही ट्रांसफर करनी होती है लेकिन फिर भी हमको ये अनोइंग सा नोटिफिकेशन आता है

कॉन्फिग्रेशन ईर आर यू एस बिफॉल्ट कॉन्फिग्रेशन इसको आप सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन दिल जाए दिख जाएंगे जो आपको नोटिफिकेशन में मिलते हैं जब आप यू एस बी केबल कनेक्ट करते हो फाइल ट्रांसफर यू एस बी थ्रेडिंग एम आई डी आई पी टी पी और नो डाटा ट्रांसफर तो आप जो भी करते हो एग्जाम्पल ज़्यादातर लोग अपना फोन को पी सी से कनेक्ट करते हैं, इंटरनेट को इंटरनेट चलाने के लिए फोन का इंटरनेट शेयर करने के लिए या यू एस बी तो आप यू एस बी थ्रेडिंग ऑन कर सकते हो जब भी आप अपने फोन को यू एस बी केबल से कनेक्ट करोगे वो ऑटोमेटली अपना इंटरनेट शेयर करने लग जाएगा या जब आप डाटा ट्रांसफर करते हो ज़्यादातर मैं डाटा ट्रांसफर करता हूँ तो मैं ट्रांसफर को सेलेक्ट करूँगा एंड इज जब भी मैं यूएस केबल कनेक्ट करूंगा इसके बाद तो मेरा जो कंप्यूटर है ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा मेरे इंटरनल स्टोरेज को और इजिली मुझे बार बार नोटिफिकेशन को सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा एमआई के अंदर भी सिंपली आपको डेवलप ऑप्शन के जाना है उसके लिए आपको अबाउट फोन में बिल्ड नंबर को नहीं लेकिन अबाउट फोन के अंदर आपको एम आई वर्जन को सेवन टाइम स्टेप करना है डेवलपर ऑप्शन आपको मिलेगा एडिशनल सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन आ चुका है यहाँ पे भी आपको सिंपली सेम जो सेटिंग है है वो वो सर्च करनी से डिफॉल्ड यूएसबी कॉन्फिग्रेशन आपको पे स्क्रोल डाउन करोगे और मिल जाएगी डिफॉल्ट डिफॉल्टूएसन और यहाँ पे जाके आप सेम चीज फाइल यूएंग सब कुछ सेलेक्ट कर सकते सकते सेकंड नंबर का फीचर है वो बहुत ही ज्यादा लाइफ इजी करने वाला फीचर है तो सभी को ये भी पता होना चाहिए 90 परसेंट लोगों के पास ड्यूल सिम फोन है और ड्यूल uh, सिम सब लोग यूज करते हैं एक शायद मोस्टली ज्यादा लोग जियो यूज करते हैं और एक अल्टरनेट दूसरी सिम यूज करते हैं तो मे भी उन्हीं में से एक यूजर हूँ तो हमको जब बहुत लोगों को कॉल लगाना होता है तो हमारे पास ऑलवेज एक ऑप्शन आता है जब भी हम कॉल करते हो तो आपके पास ऑप्शन आता है सिम वन से कॉल लगाना है सिम टू से ना फीचर है क्योंकि कभी हमें सिम से कॉल करना होता है कभी हमें सिम टू से लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जो फैमिली है उनको हम कॉल लगाना होता है तो हम उनको स्पेसिफिक एक सिम से लगाते हैं ज्यादातर लोगों को एक सिम से फोन लगाते हैं जब भी हम कॉल लगाते हैं हमको बार बार एक ही चीज करनी होती है सिम सेलेक्ट करनी पड़ती है ऑल्सो अगर आप गूगल असिस्टेंट यूज करते हो जब आप बोलते हो ओके गूगल कॉल तो जब आप किसी को भी कॉल लगाओगे तो गूगल असिस्टेंट भी आपको पूछेगा कौन से सिम से उसके अंदर आपको मैन्युअली करना पड़ेगा आप बोल के नहीं कर सकते सिम वन या सिम टे बहुत ही अच्छा फीचर

कमाल का फीचर है सबको ये भी पता होना चाहिए फीचर क्या काम था जब भी आप कॉल पे बात करते हो आपको फोन कट करने के लिए जब शॉर्टकट है जिसमें आप पावर बटन, बटन, जिस बटन प्रेस करोगे और फोन कट हो जाएगा जो कि काफी अच्छा फीचर है आप इसका क्या यूज है वो आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हो

तो इसको इनेबल करने के लिए सिंपली आपको सेटिंग में जाना है आपको सिंपली सेटिंग में लिखना है पावर और जैसे आप पावर लिखोगे आपको एक ऑप्शन जाएगा पावर बटन टू एंड कॉल्स ऑन कर देना है जैसे आप इसको ऑन करोगे सिंपली आप जब भी कॉल लगाओगे पावर बटन को प्रेस करोगे फोन कट कर हो जाएगा नेक्स्ट जो फीचर है बहुत लोगों को पता होना चाहिए और मैंने इसके ऊपर करीबन दो से तीन वीडियो बना रखी है ऐसे कुछ इडन फीचर्स के अंदर मैंने ये वाला जो फीचर है वो हमेशा बताता रहता हूँ वो है एंड्रॉड का लॉकडाउन फीचर ना ये जो लॉकडाउन फीचर है ये आपको स्टॉक एंड्रॉइड और दूसरे एंड्रॉड में मिलेगा लेकिन एमआईआई में अनफॉर्चुनेटली वाला फीचर डिसेबल किया हुआ है आप किसी भी तरह से इसको इनेबल नहीं कर सकते चाहे आप डेवलप uh, ऑप्शन में जाके चूज करो कहीं भी आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा अनफॉर्चुनेटली लेकिन जो उसके काफी कमाल का फीचर है. आपको ऑप्शन आ जाएगा तो आपको ऑप्शन दिख जाएगा लॉकडाउन का लॉकडाउन क्या करेगा आपको जो डिवाइस है वो लॉक हो जाएगा और आपके फिंगर डिसेबल हो जाएंगे और आपके जो नोटिफिकेशन है आपको लॉक स्क्रीन पर बिल्कुल नजर नहीं लॉक स्क्रीन एकदम क्लीन हो जाएगी और आपका फिंगरप्रिंट डिसेबल हो जाएगा इसको इनेबल करने के लिए आपको फिर से पैटर्न देना है और जैसे पैटर्न दे दोगे उसके बाद आप लॉक करोगे नॉर्मल तरीके से तो लॉक हो जाएगा ये काफी अच्छा फीचर है जब आप सो जाते हैं तो सोने से पहले आप इसको इनेबल कर सकते हैं ताकि नींद में आपके छोटे भाई बड़े भाई

लोगों को नहीं पता है इसलिए मैं ये पांच पांच करके पार्ट में सीरीज लेके आ रहा हूं प्लीज मुझे अच्छी बात है कुछ एक नया सीखने को मिला। तो मुझे बताना और आगे जो नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊंगा वो और भी कमाल के और हिडन फीचर्स हैं नाइनटी परसेंट एंड्रॉइड यूजर्स को नहीं पता होते डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना में वंस अगेन हाथ जोड़ के थैंक यू सो मच फाइव थाउजेंड लिए नेक्स्ट गोल दस हजार का उसमें भी कुछ कुछ गिव अवे लाएंगे कुछ कमाल की चीज़ें करेंगे डेफिनेटली मुझे आप लोगों को रिटर्न में कुछ देने में काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है पिछली बार मैंने हज़ार सब्सक्राइबर्स पे किया था जो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिली तो अब पाँच अब फिर दस फिर देखते हैं और आगे आप लोगों के साथ रहा तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा थैंक यू सो मच वेरी एक्साइटेड पीस आउट लव यू इन्जॉय कीजिए ज़िंदगी को